नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के तत्वावधान में हम वैज्ञानिक चेतना और भारतीय समाज इस विषय पर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ आज की शाम मौजूद हैं बहुत जाने माने प्रतिष्ठित और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज स्तंभ, जिन्हें कहना चाहिए, वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी से जुड़े हुए हैं। मुख्य वक्ता हैं आज हमारे साथ जो अतिथि हैं हमारे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं प्रतिष्ठित शायर जनाब गौहर रजा साहब। गौहर रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मंच पर इस समय मौजूद हैं गौहर रजा साहब के बारे में थोड़ी सी, हालांकि उनके बारे में बताना, वो अपना एक बहुत ही जाना माना नाम है और उनके बारे में बताना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। अपने सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित शायर भी हैं और साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहे हैं और काफी कुछ उस पर काम भी करते रहे हैं। और शायरी की बात करें तो बहुत ही ऊंचे दर्जे के शायर। और हमारे साथ इस समय पटल पर है आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी, हिंदी साहित्य जगत की एक जानी मानी हस्ती, प्रतिष्ठित साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार। इसके साथ ही आप प्रतिबद्ध जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी की संरक्षिका हैं आदरणीय नमिता सिंह जी, और इसके अलावा अखिल भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति की वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्षा हैं। हमारे साथ पटल पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रसिद्ध साहित्यकार और बहुत ही जाने माने हस्ती आदरणीय वंदना मिश्र जी, जो कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी की अध्यक्षा हैं। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय वंदना मिश्र जी। डॉक्टर नदीम हसनैन साहब हमारे साथ पटल पर मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम हसनैन साहब एक जाना माना नाम, देश के सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों के रचयिता रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब के भांजे हैं आप और एकेडमी के, यानी डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नदीम हसनैन साहब। और हमारे साथ डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के महामंत्री रामकिशोर जी, जो कि प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जल्द ही जुड़ेंगे। थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है। तो अब मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी आदरणीय नमिता सिंह जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें और एकेडमी के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, उसके लक्ष्यों के बारे में जानकारी। आदरणीय नमिता सिंह जी। मुझसे क्या रही है? जी जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी में आज यहाँ पर आप सभी लोग जुड़े हैं इस व्याख्यान के लिए, तो आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ।
हमारे बीच में गौहर रजा साहब हैं, एक बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और समाज से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता और एक बहुत अच्छे संवेदनशील शायर, और इसलिए हमें आज बहुत खुशी है कि आज वे हमारे साथ हैं और वे इस व्याख्यान को हमें हमारे सामने वह व्याख्यान वो देंगे। हमारे साथ नदीम हसनैन साहब हैं, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी से जुड़े हुए उसके बहुत सहयोगी, और राम किशोर जी महामंत्री हैं इस अकेडमी के, वंदना जी सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, PUCL से जुड़ी हुई हैं और इसके अध्यक्ष हैं इस अकेडमी की, और आप सबका मैं इस वक्त अध्यक्षता करते हुए आप सबका स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी के बारे में बताना चाहूंगी कि 2008 में ये इस संस्था की या इस संगठन की स्थापना हुई और हमारे राम किशोर जी इसके रूहे रवा हैं, उन्हीं के प्रयासों से ये एक संगठन बना। और इसके पीछे ये सोच बिल्कुल वही था, क्योंकि राही जिस रूप में साहित्य लिखते थे, वो साहित्यकार थे, लेखक थे, जो उनकी चिंताएं थी समाज को लेकर, हिंदुस्तानियत को लेकर, और जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ, जो उन्होंने संघर्ष किया उनके इस सोच से और उनके पूरे उनके काम से बहुत लोग हिंदू हमारे भारतीय समाज के लेखक पाठक प्रभावित हुए, तो उन्हीं के नाम पर ये एकेडमी बनाई गई, और जिसका कि उद्देश्य था कि इसी प्रकार के सामाजिक मुद्दों को साहित्य में समाज में उसको आगे बढ़ाया जाए और इसी प्रकार के एक्टिविटीज गतिविधियां की जाए। तो इस रूप में साहित्य एकेडमी जो राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी है, वो समय समय पर ये इस प्रकार के व्याख्यान हम कराती रहती है, और 1 सितंबर को जो राही का जन्मदिन होता है उसमें हम किसी एक साहित्यकार को सम्मानित भी करते हैं। तो इस रूप में जो राही का सोच था साहित्य में और समाज में, जिसके लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, और वो लगातार जो समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं उसके खिलाफ वो बहुत ही बहादुरी से डटे रहते थे और लड़ते रहते थे, संघर्ष करते थे, उन्हीं के नाम पर जब ये एकेडमी की स्थापना हुई, तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यहाँ इसकी गतिविधियां भी हमेशा चलती रही। आज हमारे बीच में गौहर रजा साहब हैं, और जो आज उनके व्याख्यान का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और विज्ञान और भारतीय समाज। दरअसल हम इसको ये भी कैसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान और समाज, क्योंकि अगर हम देखें जब विज्ञान की बात होती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और अलग तरह का सब्जेक्ट है। दरअसल विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा एक सोच का एक तरीका है, और हमारे समाज में हमेशा दो तरह की विचारधाराएं रही हैं। एक तो आस्था से संबंधित है, जो हमारे विश्वास है, बिलीफ है उनसे, और दूसरा जहाँ पर रीजनिंग है, तर्क है, और तर्क पर जो तर्क जो अनुभव हमारे और अनुभव के आधार पर जो हमारे हमारी गतिविधियाँ उसके प्रमाण उसके आधार पर जब हम कोई चीज निर्धारित करते हैं कहते हैं तो वो विज्ञान का रूप लेता है। तो इस रूप में वैज्ञानिक चेतना एक हमारी जिसको हम कहते हैं डे टू डे की एक आदत भी है और एक हमारा सोच भी होता है। और मैं तो हमेशा वैज्ञानिकों को सत्य का खोजी कहती हूँ। एक जमाने में बचपन में एक कोट हम लोग कहा करते थे कि गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, तो सत्य का खोजी होता है वैज्ञानिक। और इस रूप में वैज्ञानिकों ने बहुत कष्ट भी सहे हैं, बहुत बलिदान भी दिए हैं। अगर हम विज्ञान का इतिहास उठा करके देखें तो गैलीलियो, जिसने कि सौर मंडल की बात की कि पृथ्वी
पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है न कि सूरज घूमता है, जो कि उस वक्त तक ये बिलीफ था, ये विश्वास था, तो उसके लिए उनको बहुत कष्ट सहने पड़े, बंद कर दिए गए, नजर बंद हो गए उससे। और ये 17वीं सदी की बात है, और उनसे ही कुछ समय पहले लियोनार्डो ब्रूनो जो इटली में थे, वो भी उनको जला के मार डाला गया कि उन्होंने भी इसी वैज्ञानिक तथ्य की बात की। और 100 साल पहले उससे कोपरनिकस ने तो हिम्मत ही नहीं करी कि वो अपनी खोजों को प्रकाशित करें, बाद में उस प्रकाशित हुआ। तो ये हमेशा वैज्ञानिकों ने बहुत कष्ट उठाए हैं सत्य कहने के लिए, अपनी अपनी जो सत्यता है तर्क के साथ, प्रमाण के साथ उसको कहने के लिए। हमारे हिंदुस्तान की भी एक परंपरा रही है, एक अलग बहुत तरह का थॉट रहा है। अगर विश्वास है, आस्था है, तो दूसरी ओर चारवाक जैसे लोग रहे हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने कहा कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो कुछ है तर्क के आधार पर बात करो, यही जो कुछ है यहीं पर है। तो ये हमारी भारतीय परंपरा में भी एक चारवाक की फिलॉसफी भी रही है, उनका दर्शन भी रहा है। तो आज हम इन्हीं बातों पर समाज कैसे बदलता है, अगर हम विज्ञान का आधार न लेते तो आज हम जिस उन्नत देश के रूप में हम अपने देश को पाते हैं वो ना होता शायद। और ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल था कि उद्योग हो, कृषि हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, स्पेस साइंस हो, जिसमें कि आज हम दुनिया की बराबरी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। तो इस रूप में बिना साइंस के तो मुझे नहीं लगता कि आज हम जिस दशा में हैं, जो सुविधाएं हम ले रहे हैं, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, बिना विज्ञान के शायद वो संभव होता। और अब तो विज्ञान ने यूं कर दिया है कि हम अंतरिक्ष में भी जब चाहें घूम आए, जैसे हम बाजार घूम आते हैं, मार्केट घूम आते हैं, किसी दूसरे शहर में हिल स्टेशन पर घूम आते हैं, अब अंतरिक्ष की सैर भी हम उसी रूप में कर लेंगे। तो ये पूरा एक विज्ञान की दुनिया है, जिसको कि डे टू डे की लाइफ में हम देखते हैं, केवल एक माइंड सेट की जरूरत होती है। तो इस रूप में एक भारतीय समाज में कहें हम, या सामाजिक समाज में हम कहें, कि एक वैज्ञानिक चेतना किस तरह से किसी समाज को उन्नत बना सकती है, आगे ले जा सकती है, ये आज का सवाल है, आज का विषय है। तो और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं, जो जितने वैज्ञानिक बड़े वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, उतना ही उन्होंने समाज में भी काम किया है। वो समाज के जिसके हम कहते हैं जमीनी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी है, और एक विचारक के रूप में भी है। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच में हैं और अपनी बात कहेंगे। तो मैं गौहर रजा साहब का फिर स्वागत करती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना अपने व्याख्यान में अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी का धन्यवाद कर दूं। जो दोस्त चला रहे हैं इसको, वो बेहद खूबसूरत काम कर रहे हैं, और इस बात पे मैं ज़रा देर में आऊँगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था, बचपन से आँख खोली तो नमिता दीदी को देखा, और कभी नहीं सोचा था कि उनकी अध्यक्षता में भी मुझे बोलने का कभी मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए अपने अंदर बहुत सौभाग्य की बात है। वंदना जी तो दोस्तों में हैं, हसनैन भाई दोस्तों में हैं, तो मैं सभी दोस्तों के बीच में आज हूँ। लेकिन अगर इतने दिग्गज दोस्त मौजूद हों एक मंच के ऊपर, तो एक नर्वसनेस ज़रूर तारी हो जाती है आदमी के ऊपर शुरू से ही। तो उस नर्वसनेस के साथ मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। रामकिशोर जी का और राजीव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बिल्कुल शुरू में ही। राही मासूम रजा साहब
मुझे इस तरह से याद हैं कि अलीगढ़ में नमिता जी को ज़रूर मालूम है कि अलहमरा एक जगह हुआ करती थी जहां वामपंथी लोगों का वो अड्डा थी, और वहां अलीगढ़ में रहने वाले और अलीगढ़ में आने वाले जितने भी महान कलाकार हों, बुद्धिजीवी हों, वहां जरूर एक लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ करता था। इस अलमरा में बाड़े होकर हम झाड़ू भी लगाया करते थे, लेकिन पहली जो याददाश्त मेरी अगर साथ दे रही है तो राही मासूम रजा साहब से मुलाकात तब हुई जब मैं स्कूल में था। नीरज अपनी कविताएं सुनाने के प्रोग्राम के लिए वहां आए हुए थे और हम बच्चे दो तीन जो थे वो आगे की रोज में बैठे हुए थे, और जब वो नीरज की कविताएं खत्म हो गईं और धन्यवाद हो चुका तो किसी ने कहा कि राही साहब मौजूद हैं, तो सब ने पीछे मुड़ के देखा, हम बच्चों ने भी देखा, एक कुर्ते पजामे और जैकेट में राही मासूम रजा साहब खड़े हुए थे। हॉल क्योंकि भरा हुआ था और वो देर से आए थे तो वहीं अपनी छड़ी के सहारे दरवाजे की चौखट से लग के खड़े हुए थे, और तब उनसे ये फरमाइश शुरू हो गई कि वो अपनी कोई ताज़ा नज्म सुनाएं, और बेहद खूबसूरत आवाज में, बेहद खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पहले बहुत बार ना कहा और फिर ये कहा कि मैं जो नज्म लिख रहा हूँ इस वक्त वो तवील नज्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुना देता हूँ, और वो 1857 थी। ये वाकया मेरे जहन में इसलिए रह गया कि ये लोग थे जिनके साये में हम बहुत सारे बच्चे, हमारी नस्ल के पल बढ़ रहे थे। राही मासूम रजा साहब हों या प्रेमचंद से लेकर के बाद तक की जो अदब पैदा करने वाले लोग थे, जो विचारक लोग थे, उनके साये में जिंदगी सीखी हम लोगों ने। और जब मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि साइंस सीख ली, इंजीनियरिंग सीख ली, या फिलॉसफी सीख ली, या अपने इकोनॉमिक्स सीख ली। ये लोग ये सब कुछ सिखा रहे थे। जाहिर है कि वो न्यूटन की इक्वेशन नहीं सिखा रहे थे, लेकिन न्यूटन को किस तरह से पढ़ा जाए ये उसी माहौल की देन है। राही मासूम रजा साहब एक बड़े उसके मुस्तहकम खंबे की तरह से थे, जिस तरह बाद में भी हम लोगों ने उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार सुना, देखा, और फिर वो जब बम्बई चले गए तो जाहिर है कि सिलसिला टूट सा गया था उनसे मिलने का। और जब सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट बना तो उनके चले जाने से एक साल डेढ़ साल पहले वो दिल्ली आए थे और वहाँ मुशायरे में उन्होंने अपनी नज़में पढ़ी थी। वो मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजर था वहाँ पर। गहरे गहरी यादें हैं जो इन लोगों की, हम लोगों के जहनों पर नक्श हैं, और वो इसलिए नहीं है कि हमारा कोई पर्सनल ताल्लुक, वो इसलिए हैं कि उन्होंने समाज को ढालने में, हमारी शख्सियतों को बनाने में इन लोगों ने जो अहम रोल अदा किया है, उसी की वजह से शायद आज भी हिंदुस्तान बचा हुआ है और पूरी तरह से फासीवाद के पंजे में नहीं फंस पाया है। मुझसे जो आज हुक्म दिया गया है वो साइंटिफिक टेंपर पे बोलने के लिए बात हुई है, और समाज से क्या साइंस का ताल्लुक है इसके बारे में मैं लगातार सोचता और बोलता रहा हूँ, तो शायद इसी वजह से मेरा कान पकड़ के नमिता जी ने कहा कि तुम्हें बोलना है। मैं बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हम पहले
साइंस का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करें, और साइंस लव्ज और लफ्जों की तरह से जैसे कल्चर और डेमोक्रेसी हुआ करता है, हमारे इतने चारों तरफ घूमता रहता है, बचपन से कान में पड़ता रहता है कि हम अक्सर उसकी परिभाषा के बारे में सोचते भी नहीं। कुछ टेक्निकल सी परिभाषा पढ़ लेते हैं लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है तो हम उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचते नहीं। पहली बात तो ये है कि साइंस अपने अंदर आज कोई सब्जेक्ट नहीं। साइंस अपने सब सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह वगैरह से अपने को आगे बढ़ाती है। किसी जमाने में साइंस था एक सब्जेक्ट, पर आज एक सब्जेक्ट की तरह से अलग से साइंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जहां तक टेक्निकल साइंस का सवाल है, विज्ञान का सवाल है, वो बिखरा हुआ है और बहुत विस्तृत एक फील्ड है जिसको लगातार अलग अलग हिस्सों में एम्फेसिस बढ़ती जाती है, कहीं एक तरफ फोकस हो जाता है और वो आगे बढ़ाता है हमारी सोच को, समझ को, और अलग अलग हिस्सों में ये लगातार बढ़ने वाला वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम अपने आसपास की रियलिटी को, अपने आसपास बिखरी हुई जो हकीकतें हैं उन सबको देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ टेक्नोलॉजी और साइंस में भी थोड़ा सा फर्क शुरुआत में ही कर देना चाहता हूँ। साइंस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान का इस्तेमाल अगर इस तरह से किया जाए कि वो ज्ञान है तब फिर वो साइंस के दायरे में रहता है, लेकिन अगर उसे जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो टेक्नोलॉजी के दायरे में आ जाता है। ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है और बार बार इसे याद करना जरूरी है। मैं कोई प्रोफाउंड बात नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो और लोगों ने नहीं कही है, लेकिन इस फर्क को इसलिए समझना जरूरी है कि जो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं समाज के अंदर उन्हें ज्यादातर टेक्नोलॉजी से कोई परेशानी नहीं, उन्हें असल परेशानी साइंस से, क्योंकि साइंस के धरातल के ऊपर विचार टकराव का नाटक होता है। विचार के इस टकराव के नाटक में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये दोनों चीजें हमें लगातार नमिता दीदी ने बताया कि किस तरह पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में हमको देखने को मिलती है। कोई एतराज उठा सकता है कि नहीं साहब, टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप थोड़ा सा अपना विचार बदल लीजिए, तो क्योंकि जाहिर है अफगानिस्तान आजकल बहुत न्यूज में है, वहां पर और बाकी फतवों में अक्सर आया है कि टेलीविजन देखना बुरा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग जो टेलीविजन देखना बुरा है कह रहे थे, वो टेलीविजन का इस्तेमाल करके ही आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। वो लोग फतवा भी आप तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचा रहे थे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम है। मेरी कभी मुलाकात या हम में से किसी की मुलाकात उसामा बिन लादेन से नहीं हुई। वो आदमी जिसने टेक्नोलॉजी के इस तरह के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी, वो आदमी हमारे तक टेलीविजन से ही पहुंचा, उसने टेलीविजन पर ही अपने इंटरव्यूज दिए वगैरह वगैरह। सो एक चीज और मैं कहता चलूं यहाँ पर जो हमारे बहुत करीब है, वो ये कि जब हिंदुस्तान में एटम बम का तजुर्बा किया गया, फाड़ा गया, तो सबसे रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे और उस बॉम्ब को हिंदू बॉम्ब कह रहे थे। ये हमारी आंखों के सामने घटा। टेक्नोलॉजी वही थी, पहले फ्यूजन एक्सपेरिमेंट ट्रिगर किया गया, फिर उससे फ्यूजन किया गया और वो बम फटा। 15 दिन के अंदर अंदर ये जश्न अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने पहले फिशन फिर फ्यूजन उसी टेक्नोलॉजी से एक बम फाड़ दिया। और सरहद के उधर सबसे ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोग
सड़कों पर उतरे और जश्न मना रहे थे और उसे इस्लामिक बॉम्ब कहे। टेक्नोलॉजी एक ही थी, यहां सरहद के इधर जो रूढ़िवादी लोग थे, जो उस विचारधारा के लोग थे, मार दो काट दो खत्म कर दो, वो यहां उसको हिंदू बॉम्ब कह रहे थे और वहां उसे मुसलमान कह रहे थे। ये फर्क है टेक्नोलॉजी की रिलेशनशिप जो रूढ़िवादी विचारधारा के साथ होती। इसलिए मैं ज्यादातर जब बात कर रहा हूं आगे तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं ये बात भी साफ करना चाहता हूं और बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, दो तीन चीजें यहां भी रिपीट करना चाहूंगा कि साइंस को लेकर के ये टकराव हिस्ट्री में हमेशा होता रहा, कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। जैसे गलीलियो के वक्त के ऊपर एक इतना बड़ा झटका लगा पुरानी मान्यताओं को कि वहां इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा। न्यूटन आते आते और फिर हम देखते हैं कि जब एवोल्यूशन की थ्योरी आती है तब भी ये टकराव बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कॉपरनिकस के बाद, कॉपरनिकस से पहले तक, जिसको हम कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं साइंस के अंदर, उससे पहले तक जो धार्मिक और आस्था के तरीके थे रियलिटी को देखने के, समझने के, जानने के, और मैं उनको उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा हूं जब बात कर रहा हूं, तो मैं धार्मिक तरीके या आस्था से जुड़े तरीके भी, ये जो हमारे ब्रह्मांड की फैली हुई और समाज की फैली हुई रियलिटी, जो हकीकतें हैं, इनको समझने के ही तरीके थे जो मानवता ने विकसित किए। ये सारे तरीके जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए और धार्मिक हो गए थे, वो कॉपरनिकन रेवोल्यूशन से पहले तक उनका वर्चस्व, उनकी हेजिमनी इंसानी समाज के ऊपर कहीं ज्यादा थी। और साइंस को जाना पड़ता था चर्च के पास या धार्मिक लोगों के पास, चाहे वो किसी भी सभ्यता में। अक्सर हम बहुत आराम से ही कह देते हैं कि ये तो वेस्ट का मामला है, ये तो सारी हिस्ट्री वेस्ट की है, हमारी हिस्ट्री, अरब हिस्ट्री और चाइनीज हिस्ट्री कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं। वहां की अगर हिस्ट्री यूरोप की ले लें तो ज्यादा आसानी से हमारे पास एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। वहां पर भी कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन से पहले साइंस की बात करने वाले को धार्मिक नेताओं के पास जाना पड़ता था और उनसे मुहर लगवानी पड़ती थी कि ये बात कही जा सकती है या ये नहीं कही जा सकती। और उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया कि सारे धार्मिक स्ट्रक्चर्स कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन के बाद धीरे धीरे साइंस के पास आने लगे कि देखिए साहब, हमारे शास्त्रों में भी तो ये लिखा है, हमारी किताबों में भी तो ये लिखा है। जब साइंस ने कोई नई चीज का ईजाद किया, फौरन धार्मिक नेता, धर्म के मानने वाले उठ खड़े हुए ये कहने के लिए उसके बाद तक, यानी इससे पहले तक हमें जाना पड़ता था धर्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद धार्मिक लोग साइंस का सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिशों में लग गए। ये एक मानवता में बहुत बड़ा बदलाव था। अब किसी को कत्ल कर देना कि आपने ये क्यों कहा, मुश्किल हो। अब ये बदलाव साइंस और जो आस्था का रिश्ता है उसके अंदर परमानेंट बदलाव था। इसके बाद ये बदलाव साइंस को आगे बढ़ने से रोकने में असमर्थ हो गया पूरी तरह, और आम जनता तक साइंस को पहुंचना इसलिए भी आसान हो गया कि साइंस लगातार बदलाव जिंदगी में कर रही है लोगों की, उनकी सोच में भी बदलाव कर रही थी और टेक्नोलॉजी के द्वारा जिंदगी में भी बदलाव बड़ी तेजी से कर रही।
तो अवाम को साइंस से दूर रखना बहुत मुश्किल काम है। ये जो अवाम और समाज का रिश्ता है, इसके ऊपर हमारे देश के अंदर बहस की शुरुआत मॉडर्न साइंस के आते ही शुरू हो जाती है। और पीसी रे हों, एमएन साहा हों, बोस हों, आशुतोष मुखर्जी हों, जेसी बोस हों, सीवी रमन हों, भटनागर हों, भाभा हों, सारा भाई, ये सारे दिग्गज लोग जो साइंस की फील्ड में हैं, ये लगातार इस बहस का भी हिस्सा रहे कि समाज और साइंस के बीच में क्या बात है। ये हमारी हिस्ट्री है लगभग 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री। लेकिन इसमें एक अद्भुत बात जो मुझे दिखाई देती है, जो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि मुझे अभी भी वो अद्भुत लगती है, एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में अपने को डुबो चुका है, वो गांधी के बाद शायद पॉपुलैरिटी के लेवल के ऊपर दूसरे नंबर पे आता है। वो आने वाले हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला, वो एक किताब लिखता है और वहां वो साइंटिफिक टेंपर की बात करता है और साइंटिफिक टेंपर को की परिभाषा देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा साइंटिस्ट जो दे रहे थे उन सब का निचोड़ इसके अंदर मौजूद है। ये अद्भुत बात है कि वो साइंटिस्ट से नहीं आ रही, और अगर साइंटिस्ट से नहीं आ रही है तो साइंस हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ना हो समाज का, पर साइंटिफिक टेंपर एक पॉलिटिकल, एक कल्चरल और एक सोशल प्रोजेक्ट की नजर से देखा जाना चाहिए। यानी अगर हम इतिहासकारों के ऊपर नजर डालें, अपने यहां लिटरेरी फिगर्स के ऊपर नजर डालें, तो हमें यह दिखाई देता है, और हम उनकी राइटिंग्स को प्रेमचंद से लेके आज तक की राइटिंग्स को इस नजरिए से देख सकते हैं कि उनकी राइटिंग्स हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाने वाली राइटिंग्स थी। हमारे पोएट्स लिख रहे थे जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जा रहे थे। यहां क्वालिफाई कर दूं मैं इस बात को कि साइंस के बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, विज्ञान के बिना आप नहीं सोच सकते, लेकिन जो अवाम तक साइंटिफिक दृष्टिकोण पहुंचाने की बस है, जो ट्रेन है, जो व्हीकल है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक लेक्चर। उसके लिए समाज में हमको कविता भी चाहिए, हमको म्यूजिक भी चाहिए, हमको कहानी भी चाहिए, हमको लेख भी चाहिए, जो हमारे लेखक और दानिश्वर कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार मुड़ के ये बात कहता हूं कि उनका हमारी नस्ल के ऊपर कम से कम बहुत बड़ा एहसान। नेहरू ने कई बार अपने व्याख्यान में भी और अपनी इस किताब में भी जो 1946 में छपी और उन्होंने 1945 में जेल में लिखी थी, उसमें किस खूबसूरती के साथ बात की, किस खूबसूरती के साथ परिभाषा दी है, वो भी अपने अंदर अद्भुत है। वो जबान के तो जाहिर है बड़े दिग्गजों में माना जाना चाहिए उनको। मैंने उसका अपनी जबान में ट्रांसलेशन किया है तो मैं वहीं से ही शुरू करता हूं। ये साइंस का तरीक़ेकार है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं अपनी किताब, जो बहादुर मगर आलोचनात्मक है। ये तलाश है सच और नए इल्म की, ये रवैया है किसी भी चीज को तब तक ना मानने का जब तक उसे परख ना दिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत। इससे खूबसूरत ही नहीं है। लेकिन नेहरू से हमारी उम्मीदें
हमेशा ही कहीं ज्यादा रही, पूरे मुल्क की बहुत ज्यादा रही। तो वो एक जगह बहुत खूबसूरती से बहुत छोटे एक सेंटेंस में भी इसको परिभाषित कर दी, साइंटिफिक टेंपर इज टेंपर ऑफ अ फ्री मैन। आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण साइंटिफिक दृष्टिकोण है, इसको उल्टा भी किया सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण, ये अपने अंदर अद्भुत डेफिनेशन है। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो मेरे ख्याल में सब कुछ कह देती है, यानी आप आजाद हो ही नहीं सकते अगर आपका दृष्टिकोण साइंटिफिक नहीं। बहरहाल ये तो बात हुई हमारे परिभाषाओं की, कि एक बड़ी डिबेट हिंदुस्तान में हमेशा से रही साइंटिफिक टेंपर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के। और मैं ये समझता हूँ, इस बात को भी मैंने कई मंच से कहा है, कि हमारे साथ और हमारे बाद कई देश आज़ाद हुए और हमारे देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र बहुत स्टेबल रहा, जबकि बाकी देशों में ये इतना स्टेबल नहीं रहा। मेरी ये राय है, मेरी ये समझ है कि उसकी एक बड़ी वजह थी कि हम 70 साल तक फैशिस्ट पंजे से इसलिए बचे रहे कि हमारे देश में ये डिबेट चली और साइंटिफिक ढांचा खड़ा किया गया और उसने एक बड़े मजबूत खंभे की तरह से हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखा। ये डिबेट और मुल्कों में जो हमारे आस पड़ोस में हमारे बाद या हमारे साथ आज़ाद हुए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान या बाद में बांग्लादेश, वहाँ पर फ्रेजाइल रही, बहुत कमज़ोर रही डेमोक्रेसी, इस वजह से कि ये डिबेट कभी वहाँ हुई ही नहीं। बहरहाल इसके ऊपर मतभेद हो सकता है। मैं एक आम आदमी की नज़र से अगर देखूं साइंस की तरफ, तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। एक आम आदमी को थोड़ी म्यूजिक जिंदगी में चाहिए, थोड़ी शायरी भी चाहिए, थोड़ी उसको अपनी नौकरी भी चाहिए, वो भी करनी है, और उसे शायद फिल्म भी देखने जाना है और मंदिर भी जाना है या मस्जिद जाना है अपने अपने हिसाब से। तो जो हमको बचपन से सोच का ढांचा, थॉट स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो समाज धीरे धीरे उसका निर्माण जब करता है तो उसमें ये सारी चीजें मिली हुई मिली जुली होती हैं। कभी हम नमाज पढ़ने निकल गए, कभी हो सकता है कि उसको हुसैन हैदरी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी नज्म में लिखा है, लेकिन ये कि हर वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे होते, हर वक्त मंदिर के अंदर नहीं होते, फिल्म भी देखने जाते हैं, थोड़ी बहुत साइंस भी कर लेते हैं, कुछ अपना पेशा भी। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे जो बनता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे हिसाब से और मेरी रिसर्च के हिसाब से उसे दो बड़े खानों में बांटा जा सकता है। अंग्रेजी में हम इसको कॉग्निटिव मैप का नाम देते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो ढांचा तैयार होता है हमारी सोच का, इसमें दो अलग अलग चीज, एक वो हिस्सा जो पूरी तरह से इरेशनल, एक तरफ हमारे कॉग्निटिव मैप में, हमारी सोच के ढांचे में वो सारी मान्यताएं होती हैं जो बिल्कुल इरेशनल, और दूसरी तरफ वो मान्यताएं हैं जो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हैं, जो पूरी तरह से साइंस पर आधारित हैं, जिसको हम हमारा समाज जो हमें दे रहा है वो इस तरह से कह रहा है कि कुछ चीजों में आपको साइंटिफिक होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा, वरना आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये जरूरी है आपके। और कुछ चीजों के बारे में कह रहा है नहीं भाई, यहां हटके थोड़ी देर वक्त गुजारो, बहुत शांति मिलेगी, अध्यात्म है इसके अंदर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये मानना चाहिए और सवाल मत उठाना, और अगर सवाल उठा रहे हो तो बाहर। तो एक तरफ हमारे कॉग्निटिव मैप का हिस्सा है जो पूरी तरह से इरेशनल है,
जो जो हम किस तरह से रखूं इस बात, और ये दोनों बड़े पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों में कोई टकराव नहीं होता आम आदमी को। घर से निकल करके जो आदमी मंदिर जग जा रहा है या मस्जिद तक जा रहा है, वो घर से निकलने का फैसला लेता है इस बात के ऊपर कि उसकी कार है उसके उसके पास या नहीं, मंदिर जहां जा रहा है वहां कितनी दूर है भाई। ये फैसले जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल रैशनलिस्ट फैसले होते हैं उसके, और वहां पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो जलती हुई जमीन में मई जून के महीने में नॉर्थ में अपने जूते उतार के कार में रख दे और जलती हुई जमीन के ऊपर वो नंगे पैर चले, वहां वो खड़ा रहे लाइन में घंटे भर और फिर वो फूल चढ़ा करके और वापस लौट के फिर उसी कार में आ जाए और फिर यहां से उसके डिसीजन रैशनलिस्ट हो जाता है। अब जो संबंध है ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ये हम जब अकेले हैं तो हमारी जिंदगी का दोनों हिस्सा है, इनके बीच में कभी कभी टग ऑफ वॉर है। ये अकेले आदमी की जिंदगी में हमेशा जब वो बचपन से शुरू करता है तो ये जो रस्साकशी है ये हमें बच्चों के सवालों में दिखाई दे, और हम समाजी तौर पर स्कूल में कॉलेज में उन्हें मार मार के ये सिखाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सवाल मत करो। मुझे नहीं मालूम कि मैं सही हूं या गलत, मेरी जिंदगी में जरूर गुजरा है कि मैंने ये सवाल पूछे थे कि अगर भगवान है तो उसे किसने पैदा किया। शायद ये हर बच्चा अपनी जिंदगी में पूछता है। ये जो टग ऑफ वॉर है ये धीरे 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 जैसे हम बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ ये रिजॉल्व होती चली जाती है। कलेक्टिवली इसका भयानक रूप हमें पॉलिटिक्स में दिखाई दे, जिसमें ब्रूनो की आवाज बंद की गई, जिसमें गैलीलियो की आवाज बंद की गई, जिसमें सहमा हुआ कॉपरनिकस अपनी किताब अपने आखिरी वक्त में छाप पाया, या हमारे देश के अंदर आर्यभट्ट की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की। ऐसी बहुत सारी दुनिया के और हिस्सों में हमें एग्जाम्पल्स दिखाई दे। जब हमारा पॉलिटिकल हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप या किसी भी देश की, हमने ये पाकिस्तान में भी होता हुआ लगातार देखा, तब फिर हम रास्ते से देश के स्तर पे भटकने लगे। ये सवाल इंडिविजुअल का नहीं रहता, इंडिविजुअल बड़े आराम से रिजॉल्व कर लेता है चीज। वो हो सकता है कि एक वक्त में बिल्कुल रूढ़िवादी हो और दूसरे वक्त में वो बहुत प्रोग्रेसिव हो आधुनिक हो, पर जब समाज में ये बदलाव आता है तो समाज पीछे की तरफ चलना शुरू होता है और आम आदमी हेल्पलेस हो जाता है। फिर उसका वो कॉग्निटिव मैप का हिस्सा जो रूढ़िवादी विचारधाराओं से जो अंधविश्वासों से भरा हुआ है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, वो एनलार्ज होता है। साइंटिफिक टेंपर को आगे बढ़ाने वाले कलम या लैब्स या वैज्ञानिक अपने को असहाय महसूस करने लगे और तब देश के पिछड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमें ये मालूम है कि इस साइंटिफिक डिबेट ने देश में जिस तरह से संस्थान खड़े किए और उनका उनके बारे में नमिता जी ने शुरू में ही कहा कि उसने देश को तरक्की की राह पर डाल दिया। हम 70 सालों में वहां पहुंचे जहां कुछ एरियाज में खास तौर से साइंस के दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते। ये हमने अचीव किया क्योंकि कमर बांधी थी 1947 में कि हम साइंटिफिक टेंपर का एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसको साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने जो सर्वे किया है खास तौर से कोरोना के पीरियड में, उससे पहले भी यही रिजल्ट आए थे कि हमारे देश में
चाहे टेलीविजन कुछ भी कह रहा हो, आम जनता के अंदर वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा है। आम जनता के अंदर इस देश की, और मैं गरीब जनता की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सर्वे ज्यादातर कुंभ मेले के दौरान उन जगहों के, उन लोगों के हैं जो कहीं गांव में रहते हैं, कहीं दूर जगहों पे रहते हैं, जहां शायद वो सुविधाएं भी नहीं है कि उन तक साइंस की बातें पहुंच सके। उन लोगों के अंदर साइंस की चेतना बढ़ती होगी। ये आवाम है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनके बीच में कोई रابطा नहीं। उन्हें मालूम है कि वो किस तरह से वोट ले सकते हैं, और उसके लिए कभी कभी साइंस के ऊपर बड़ा हमला करते हैं और देश को अंधकार की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। अवाम इसको रेजिस्ट कर रही है, अवाम इसके खिलाफ खड़ी है। शायद उसकी आवाज हमें कम सुनाई देती है, शायद हो सकता है कि उसकी आवाज पे हमारा ध्यान ना जाता हो, लेकिन वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। उम्मीद है बहुत लंबा नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपकी बातों ने से वाकई ये इत्मीनान तो और पुख्ता हो गया कि हम जब सोचते हैं तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने रैशनैलिटी को ध्यान में हमारे रहती है, और खास तौर से जब बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं तब इस बात की अच्छी खासी परीक्षा भी हो गई है, और उस पर काफी हद तक हमारा जो समाज है वो खरा उतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर नदीम हसनैन साहब से कि वो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर गौहरजा के बोलने के बाद, और खास तौर से इस टॉपिक पर बोलने के बाद, मेरी क्या हैसियत है कि मैं अपने विचार व्यक्त करूँ उसके ऊपर। लेकिन मैं दो तीन चीजें जो उन्होंने बहुत जिस पर जोर दिया, और साथ में ये मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए गौहरजा साहब को सुनना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। इट्स लाइक फीस्ट टू द ईयर्स। और मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं अपने इतने दिनों की एकेडमिक लाइफ में जो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, बड़ी कॉम्प्लेक्स विचारों को बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हो। ये बड़ा मुश्किल काम है। सरल चीज़ों को जटिल बनाकर पेश करना बहुत आसान है, लेकिन किसी जटिल चीज़ को, जटिल विचार को बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान तरीके से बता देना, व्यक्त कर देना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूँ, मैंने बहुत सुना भी है, उनको पढ़ा भी है। अब उन्होंने अपने पूरे व्याख्यान में जाहिर की जिस बात पर शुरुआत की वो ये थी कि साइंस क्या होती है। बहुत से लोगों के लिए, हमारे में से, हम लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ये बात बड़ी दिलचस्प है, और ऐसी भी है कि जिसको बहुत से लोगों ने कभी ध्यान न दिया हो। हम साइंस को बहुत एक टेक्निकल सेंस में हमेशा यूज़ करते रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प मुझे लगी, और जिसमें हम हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसको उन्होंने बहुत आसानी से हमारे सामने रखा, वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिश्ता है। और ये बात मुझे उनकी बहुत मज़े की लगी, मैंने बहुत इन्जॉय किया इस बात को, जब उन्होंने ये कहा कि एक से एक जो दखियानूसी और आर्थोडॉक्स लोग, उनको, जिनको साइंस से बड़ा प्रॉब्लम है या वैज्ञानिक सोच से प्रॉब्लम है लेकिन टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है। उनको कभी टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात नहीं करते, साइंस पर हमला करते हैं। अब उनसे कोई ये पूछे कि बिना साइंस के ये टेक्नोलॉजी कैसे होगी,
बट टेक्नोलॉजी तो साइंस का एप्लीकेशन है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है उसका, उसके बिना कैसे होगा ये। जब नेहरू को उन्होंने अपने ट्रिब्यूट पेश किया तो उनमें से देश के लाखों करोड़ों लोगों की यही आवाज़ है। और सिर्फ वैज्ञानिक सोच जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि नेहरू ने खाली कह दिया था उसको या दूसरे बहुत से फिलोसोफर्स ने कहा था, हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है ये कि ये राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने सिटीजन में वैज्ञानिक सोच पैदा करे, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिटीजन की, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है ये कि वो वैज्ञानिक सोच विकसित करे। बस एक बात मैं और कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, इसलिए कि उनके बाद बोलने का कोई सवाल भी नहीं है, कि मुझे ये एक उनके तमाम बातों के पीछे जो सार मैंने समझा और जो स्टेटमेंट ये है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि किसका स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट ये है कि उन पर मत विश्वास करो जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने सच को पा लिया है, उन पर विश्वास करो, उनके पीछे जाओ जो ये कहें कि मैं सच की तलाश में। इसीलिए जो हम जो एक ट्रेडिशनली फेथ बेस्ड सोसाइटी रहे हैं, हम एक मॉडर्न सोसाइटी हम तभी बन पाएंगे जबकि रैशनलिज्म हम विकसित करें अपने में, एक वैज्ञानिक सोच विकसित करें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, मैं खुद बड़ा निराश था आप में से बहुत से लोगों की तरह, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो बाकायदा वो सर्वे जो उन्होंने किए हैं तो उसमें ये बात आ रही है कि लोगों का विश्वास है इसमें, तो ये बड़े बड़ी खुशी की बात है। ये तो फिर हम लोग उनके विचारों से बहुत लाभान्वित हुए, आपने मुझे उस कमेंट करने का मौका दिया राही एकेडमी ने, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आदरणीय वंदना मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को। रामकिशोर जी नहीं आ रहे हैं क्या? रामकिशोर जी नहीं है, रामकिशोर जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने अतिथि, मुख्य अतिथि को, मुख्य वक्ता को, गौहर रजा साहब को, कि उन्होंने एक इतना रोशन ख्याली से भरा भाषण दिया हम लोगों को और चर्चा की हम लोगों से, तो कितनी चीज़ों पर उन्होंने हमारे जो दिमाग में लगे जंग जाले होते हैं उनको साफ किया, और कितनी चीज़ों में जिनमें हम निराशा में डूबे जा रहे थे उनको उन्होंने क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसे इतने ख़राब हालात नहीं है, जो उन्होंने सर्वे किया और बताया कि लोग कह रहे हैं, और जो 90%, ये तो बहुत बहुत उम्मीद की बात तो उन्होंने बताई और हमारे बहुत मन खुशी से भर गए हैं कि 90% लोग ये कह रहे हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते हैं, दकियानूसी पन को नहीं मानते हैं, और उनका साइंस में, साइंटिफिक टेंपर में उनका यकीन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने जो बताई, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि ये इस चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मेरा ख्याल है जंग तो जारी रहनी है इस दकियानूसी पने के और एक रोशन ख्याली के बीच में, एक साइंटिफिक टेंपर के बीच में, क्योंकि साइंटिफिक टेंपर है तो ही लोकतंत्र है, तो ही न्याय है, तो ही बराबरी है। साइंटिफिक टेंपर जिस आदमी का होगा वही लोकतंत्र की बात करेगा, वही जो गौहर रजा साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। तो उसके बिना, साइंटिफिक टेंपर के बिना कुछ नहीं है, और उस साइंटिफिक टेंपर को बनाए रखने की जंग जारी रखनी है। और गौहर रजा साहब के ही शब्दों में मैं कहूँगी कि इस जंग को जारी रखना है, अगर टूट गए तो हार गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका, जो आप हमारे बीच में आए और आपने हमारी अकेडमी का अनुरोध किया और आपने इतने अच्छा भाषण देके हम लोगों को, एक हमारे जितने एकेडमी के लोग हैं सब इसको सुन रहे हैं और इतने, और ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी रहेगा, तो एक सबको ही कभी ना कभी जो आज नहीं सुन पाए हैं वो फिर किसी दिन इसको सुन के, जैसे रूपरेखा जी ने बताया कि उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा आप उसको बाद में सुन लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो इसको बाद में भी लोग सुनेंगे, तो एक बहुत एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हमारे पास ही हो गया जिससे बहुत हमको मदद मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर बहुत शुक्रिया। नमिता जी आपका शुक्रिया, हम कैसे अदा करें, क्योंकि आप तो हमारी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमारी
मेरुदंड हैं, आप हमारी प्राणवायु हैं, आप जिस तरह से संगठन को जोड़े रखती हैं और जिस तरह से आप हमारे बिहार पे सबसे गौर रजा साहब से भी आपने बात करी, तो आप इसको उत्साह से हमेशा भरती रहती हैं और हम लोगों को हमेशा उत्साह से भरती रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनविता जी कि आप इस प्रोग्राम में भी शरीक हो पाई, बहुत अच्छा लगा। राम किशोर जी हमारे कहाँ गायब हो गए, टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी की बात की गौहर साहब ने, और गौहर साहब एक बात और है कि तो लोग साइंस पर अटैक करते हैं टेक्नोलॉजी के ही सहारे, टेक्नोलॉजी ना हो तो वो साइंस पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारी किसी प्रगतिशील किसी विचार पर वो अटैक नहीं कर पाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी ना हो, टेक्नोलॉजी का सहारा ही लेकर वो ये करते हैं। तो हमारे रामकिशोर जी, मगर टेक्नोलॉजी ने इस वक्त थोड़ा सा साथ नहीं दिया उनका, रामकिशोर जी नहीं है, लेकिन रामकिशोर जी हमारे बहुत ही मैं क्या कहूँ कि उनके बीते ही हमारा संगठन टिका है, हमारी संस्था को पूरा चलाने का श्रेय रामकिशोर जी को ही है। तो रामकिशोर जी आप नहीं है, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आप कृतज्ञता ज्ञापन करें। नदीम साहब को क्या कहें, नदीम साहब तो रजा साहब के वारिस हैं और हमेशा हम लोग को गाइडलाइंस देते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। आज भी उन्होंने गौहर साहब के भाषण को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से वो वैलिड पॉइंट्स बहुत से दिए, वो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वो हमेशा हमारी संस्था के साथ जुड़े रहते हैं और हमें हमारी हमें हर तरह की मदद देते हैं। तो नदीम साहब, आपने भी वक्त निकाला और इसमें शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजुल, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा जब हमें वेबिनार करना होता है, जब हमें आपकी मदद की ज़रूरत होती है, हमारी टेक्नोलॉजी का सहारा आप ही हैं, आप ही हमारी टेक्नोलॉजी मददगार हैं। तो आप और आपके प्रकाशक पेज को, आप अशोक हमराही जी को, आप तीनों आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं, बढ़ाती हैं और हमें मदद करती हैं। जो हमारे जितने लोगों इसमें शरीक हुए, जितने लोग इसमें, जितने लोगों ने इसको सुना है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में वो शामिल हुए। और सिर्फ मैं थोड़ी क्षमा याचना करूँगी, जो बीच बीच में गौर रजा साहब से खासतौर पे और अपने जो लोग शामिल हुए इस प्रोग्राम में उनसे, तो जो बीच में दो तीन बार हमारा हम डिस्कनेक्ट हुए और गौर साहब को एक 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 उसमें लगातार अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, बीच बीच में बात टूटी और थोड़ा रुकना पड़ा, इससे असुविधा होती है बोलने वाले को भी। तो गौर रजा साहब, अगली बार जब आप आएंगे हमारे यहाँ तो शायद ये असुविधा नहीं होगी, आप अच्छी तरह से पूरा एक बोल पाएंगे और हमारे श्रोतागण भी सब सुन पाएंगे। तो इस माफीनामे के साथ भी मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रकाशक की इस शाम को यहीं पर विराम दे रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, उनका भी और आप सभी विद्वजनों का भी जिन्होंने इस भारतीय समाज और वैज्ञानिक चेतना पर जो प्रकाश डाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।